अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट साइक्लोट्रॉन। ठीक, साइक्लोट्रॉन जो है बेटा वो मैग्नेटिज्म का है, एक टॉपिक रह गया था। तो देखिए क्या है, साइक्लोट्रॉन एक सिस्टम है टू एक्सेलरेट एनी पॉजिटिव चार्ज, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करने का एक सिस्टम है। पॉजिटिव चार्ज कौन सा हो सकता है? अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स समझते हैं ना, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो जो सेकंड वाला है 1H2 उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। और कोई? ठीक है, कुल मिला के किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करने का एक सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या होता है, देयर आर टू डीज। डीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका शेप डी शेप होता है, तो इनका नाम ही बोल दिया जाता है, दीज आर टू डीज। इसका साइज वगैरह सब सेम होगा, दोनों एकदम आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, और ऐसा बनाया जाता है कि इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे किसी ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से। तो अगर इधर की तरफ प्लस है तो इधर की तरफ माइनस है, और ये आपको पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो फ्लक्चुएट करता है। ठीक, तो हाफ साइकिल में जब इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, रिमेनिंग हाफ साइकिल में इधर माइनस हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा, अपने आप वो रिवर्स करेगा। और इन डीज वाले रीजन्स में वी विल क्रिएट सम मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, दैट इज इनवर्ड्स। तो इनवर्ड्स वाला जो फील्ड है कुछ इस टाइप का, अब ध्यान से देखिए, इसमें यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ डी वाले रीजन में, ठीक है, और इस रीजन में जब ये प्लस होगा तो इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पूरे पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इन दोनों डीज के बीच में अपने आप वहां पर कौन सा फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप क्रिएट हो जाएगा। एकदम सेंटर पे, यहां सेंटर पे हम लोग पूरा एक ग्रुप ऑफ चार्ज रखते हैं, बीम ऑफ चार्ज। ठीक, और क्योंकि उन्हीं चार्जेस को हमें एक्सेलरेट कराना है, तो सेंटर पे फॉर एग्जांपल मान लो आपने रख दिया प्रोटॉन। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिव चार्ज है जिसको आपने सेंटर पे रखा हुआ है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये प्रोटॉन अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे जाने लगेगा, सही है। जैसे ही वो इस रीजन में आएगा, अब ये वाला जो रीजन है ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, और ये जो चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है ये मैग्नेटिक फील्ड में बोलो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज ऐसे जा रहा है, तो 90 डिग्री पर जा रहा है। 90 डिग्री पे इंसिडेंट अगर कोई भी चार्ज होगा तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर हो जाएगा। आपने पढ़ रखा है तीन टाइप के पाथ हो सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज को भेजोगे तो देयर विल बी नो फोर्स, क्यू वी बी साइन जीरो, है ना, तो नो फोर्स। अगर परपेंडिकुलरली भेजेंगे तो सर्कुलर मोशन होगा, और अगर किसी थीटा एंगल पर भेजेंगे तो हेलिकल पाथ होगा। तो फिलहाल यहाँ पर 90 डिग्री पे भेजा जा रहा है इसलिए ये सर्कुलर मोशन में घूम जाएगा। तो तुरंत ये जो पार्टिकल है घूम गया किसी सर्कुलर मोशन में, क्लियर। अब जैसे ही ये किसी सर्कुलर मोशन में घूमा, इतने टाइम में इसका फ्लक्चुएशन हो गया, इसका जो डायरेक्शन है वो जस्ट पलट गया। ये सिस्टम सेट ऐसा किया जाता है कि इसके घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इसके चेंज होने की होगी, वही ऑल्टरनेटिंग करंट की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट किया जाएगा उतने ही, कि जितने टाइम में ये चार्ज यहाँ से घूम के यहाँ तक आएगा। और बोलो जो चार्ज का टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है।
टू पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम पीरियड भी, और अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। तो वही फ्रीक्वेंसी जो इसके रोटेट होने की आएगी, वही फ्रीक्वेंसी हम किसकी सेट करेंगे, इस एसी सोर्स की। तो वो वही सेम फ्रीक्वेंसी सेट करने से फायदा ये होगा कि जितने टाइम में ये घूमेगा उतने ही टाइम में ये रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही ये रिवर्स हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो जितनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है उसकी डायरेक्शन तुरंत बदल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बदल गई तो क्या होगा? अब ये जो प्रोटॉन इधर से आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। तो यहां से यहां पता चला, इतने में फिर से वो इधर की तरफ गया, सही है। अब फिर से कौन सी फील्ड में जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। लेकिन जिस स्पीड से पहले गया था, अब स्पीड उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि जब वो यहां से घूम के आया था, देखो यहां पे स्पीड बेटा मान लो कुछ वी थी, ठीक, तो इतने में भी स्पीड क्या थी? वी। वी स्पीड से जब वो आया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो तुरंत फोर्स लगता है ना, क्यू ई, और फोर्स लगने का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लगने का मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो अब जब वो यहां से यहां आएगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ वी वन मान लो, अब वो बढ़ी हुई वेलोसिटी से अगर मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो बोलो रेडियस बढ़ जाएगा, पता है ना? रेडियस बढ़ाना है तो तरीका क्या है? तेजी से फेंको। तो आपने उस चार्ज को और ज्यादा स्पीड दिया, इसलिए इसका रेडियस बढ़ गया पहले से। तुरंत जैसे ही वो घूमा ये फ्लक्चुएट हो गया, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट, तो बोलो इधर की तरफ आते टाइम जो वेलोसिटी v1 थी, बोलो यहां बढ़ के, और ये पहले से ज्यादा है। अब फिर से बढ़ी हुई वेलोसिटी के साथ आया है तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। बस बाकी आप लोग समझ गए होंगे। फिर ऐसे जाएगा, ऐसे रेडियस बढ़ता जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहां पे क्या काम किया है? हाँ? उसको एक्सेलरेट करने का काम किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ने, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ने इसको सर्कुलर मोशन दिया है। सर्कुलर मोशन से फायदा ये होता है कि सेंटर से शुरू होगा वो चार्ज, ऐसे 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 तेजी से घूमेगा, बहुत तेजी से घूमेगा, जितना राउंड उसमें घुमाओगे बोलो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी हर राउंड में, ठीक। और जितनी स्पीड तुम्हें चाहिए होगी तुम वो अपना पहले से डिसाइड कर लो कि भाई हमारा काम था ना कि हम उस पॉजिटिव चार्ज को हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि तुम्हें एक्सेलरेट करके स्पीड कितनी चाहिए। जितनी स्पीड चाहिए उसी हिसाब से उतने ही राउंड उसको घुमाइएगा। उसके बाद फाइनली मान लो इतने चक्कर के बाद हमें पता चल गया कि अब जो इसके पास स्पीड है वो हमारे काम की है, ठीक। तो यहीं से अब हम एक होल बनाएंगे, यहां पर ये वाला जो ऑर्बिट होगा, इस ऑर्बिट में हम लोग एक होल बनाएंगे, और होल बना करके यहां कहीं पर एक कोई टारगेट सेट करेंगे, टारगेट एटम। तो होगा क्या कि ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज है वो उतनी हाई वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन में ना जाकर यहां सीधे आएगा और इससे मिल जाएगा। समझ में आया? यूज बेटा स्ट्राइक कराने के लिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई थी किसी गोल्ड फॉइल पर। क्यों कराया था? ताकि वो किसी भी न्यूक्लियस का नेचर जान सके कि न्यूक्लियस में क्या है। मतलब आप जो रिएक्शंस कराना चाहते हैं वो न्यूक्लियस के लेवल पे कराना चाहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, फिजन फ्यूजन सब पढ़ा है ना, या भी आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिजन में क्या होता है, हम किसी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, फ्यूजन में हम उसको जोड़ते हैं। इन सभी कंडीशंस में अगर कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियस के लेवल तक करानी है तो हमें इस सब्सटेंस के अंदर घुसना पड़ेगा ना, तब तो न्यूक्लियस में जाएंगे। जब तक हम सब्सटेंस में ही स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियस की बात कैसे आएगी, सोचो। तो होता क्या है कि यहाँ पर हमको बहुत हाई वेलोसिटी चाहिए, किसकी, बम्बार्डिंग पार्टिकल्स की। जैसे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई गई गोल्ड फॉइल पे, तो ऐसा थोड़ी होगा ये अल्फा पार्टिकल फेंक दिया चला गया।
हमें उस अल्फा पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो किसी भी न्यूक्लियस के पास तक नहीं पहुंच पाएगा। और खुद सोचो, अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव है और जहां जा रहा है वो भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियस इसको रिपेल भी तो कर रहा होगा। तो यहां से जब वो न्यूक्लियस के पास जाएगा तो बोलो इसकी एनर्जी लगातार कम हो रही है, तो हमें इसको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि एनर्जी कम होते होते भी जा करके उसको स्ट्राइक कर दे। फिजिक्स में कोलिजन का मतलब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, कोलिजन का ये मतलब नहीं कि ये जा करके सीधे भिड़ी जाए, कोलिजन का मतलब ये भी है कि यहां से यहां तक गया और यहीं से वापस चला आया, तो ये भी कोलिजन है। बात समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि दो ऑब्जेक्ट भिड़ जाए तभी हम कोलिजन मानेंगे। इलेवेंथ में जो सिलेबस था उसमें दो ऑब्जेक्ट को ही भिड़ा दिया जाता है, ये बॉल उस बॉल में गई, ये कार उस कार से भिड़ गई, तो कोलिजन हो गया। लेकिन ट्वेल्थ के जो टॉपिक्स हैं, चार्जेस की बात है। अब अल्फा पार्टिकल हमने भेजा लेकिन न्यूक्लियस के पास तक नहीं गया, लेकिन आप खुद सोचिएगा, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस रखा है, ये अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जब जाएगा, ठीक, ये एक पर्टिकुलर मिनिमम स्पेस है कि अब इससे आगे अल्फा पार्टिकल नहीं जा सकता, लेकिन यहीं से अल्फा पार्टिकल इसको अफेक्ट कर सकता है। जरा भी अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो ये पीछे भागेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो कोलिजन हो गया। बात समझ में आया ना? तो कोलिजन के लिए हम लोग इन पार्टिकल्स की स्पीड को बहुत बढ़ाना चाहते हैं। बात समझ में आया? स्पीड को बहुत बढ़ाने के लिए ये हमारा सिस्टम है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। कुछ समझ में आया? साइक्लोट्रॉन में अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और ये सब पूछा जाए तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। रेडियस आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, टाइम पीरियड आपको पता है 2πm अपॉन क्यू बी, है ना, फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्यू बी अपॉन 2πm। समझ आ रहा है? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। सही है? अब इसके बेटा वो हो सकता है, वो मतलब आप चेक कर सकते हैं रूल लगा करके, फ्लेमिंग का जो रूल है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अगर वो ऐसे जा रहा है तो सही तो बनाया मैंने। शुरुआत में ध्यान से इधर सुनिए सब लोग, शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी बेटा, ठीक। तो आप ये एक चीज जरा सोचो, हमें तो ये देखना है ना कि जब ये चार्ज अंदर घुसेगा तो ये सर्किल ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा, मतलब ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या क्लॉकवाइज घूमेगा। उसके लिए फ्लेमिंग का कौन सा रूल है? लेफ्ट हैंड रूल फोर्स के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट भी इधर ही मान सकते हैं। बोलो यार, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। फोर्स ऊपर होने का मतलब ऊपर की तरफ उसका सेंटर होगा। नहीं समझ पाए? इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट का क्या लेना देना? इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट का क्या लेना देना? आप सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट का क्या लेना देना? भाई चार्ज से होता है ना, या इलेक्ट्रॉन इधर जाए तो करंट इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जाए तो करंट उसी की डायरेक्शन में होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब हमें? समझ रहे हो? फिलहाल ये सही बना है, हालांकि मैंने सोच के नहीं बनाया था, लेकिन बाई चांस ये सही बना है। समझ रहे हैं? तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। बाकी हो भी सकता है कि अगर अगर इनिशियल कंडीशन में, ध्यान से देखिए, अगर इनिशियल कंडीशंस ऐसी बनाई जाती हैं कि इधर निगेटिव होता, इधर पॉजिटिव होता और इधर निगेटिव होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती, तब वो क्लॉकवाइज घूमता। बात समझ रहे हो ना? तब वो ऐसे आता फिर ऐसे घूमता। अभी फिलहाल ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? समझ आया? डाउट है अभी इसमें कुछ? कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम कर रहा है? चार्ज को एक्सेलरेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ दे रहा है, ठीक। अब इसके इस सिस्टम के बेटा कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस पहला क्या है बताओ? पहला लिमिटेशन क्या है? सिंक्रोनाइज मतलब हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं रटनी चाहिए जिसका हमें मतलब भी ना पता हो, है ना? ऐसी चीजों को नहीं लिखना ही नहीं चाहिए।
जरूरी नहीं है कि हम लोग हर पॉइंट बेटा लिख दें, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको कंफ्यूजिंग लगे जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको समझ लीजिए फिर लिखिए। फिलहाल सिंक्रोनाइज का मतलब नहीं बेटा, यहाँ पर बस ये है द चार्ज मस्ट बी, चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव। दूसरा इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको इस मेथड से हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं एक्सेलरेट कर सकते हैं? नहीं, पॉजिटिव से हमें कोई खास लगाव नहीं है, हमारी मजबूरी है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास प्रोटॉन से 10,000 गुना कम है, है ना? कम होने का मतलब बेटा ये है कि जितने ज़्यादा राउंड्स इसमें घुमाओगे उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जब बहुत बढ़ जाती है क्योंकि उनका मास 10,000 गुना कम है तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत हल्का है और हमने उसको स्पीड बहुत ज़्यादा दे दी है, बात समझ में आ रहा है? उस वजह से वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को इसमें प्रिफर नहीं करते, बात समझ में आया? अब थर्ड केस ये है, आपको शायद पता हो क्योंकि यहाँ पर हम लोग जिन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं उनका मास 10^-31, 10^-27 इस रेंज का है, मतलब जो मास है वो बहुत 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 कम है और जो स्पीड हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत 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 ज़्यादा है। शायद आप लोग को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पता हो कुछ, उसके हिसाब से ये होता है कि जो मास है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप किसी पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड से चलाएंगे तो उस पार्टिकल का मास बढ़ेगा, और अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से चलने लगा तो उसका मास देखो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। उसी को हम बोलते हैं गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, क्योंकि जिस पार्टिकल का मास इनफाइनाइट हो जाएगा वो पार्टिकल नहीं बचेगा, सोचो वो पूरा क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड। वही है भगवान। भगवान कौन है? जो हर तरफ हो, हर जगह हो। गॉड की डेफिनेशन भी यही है ना कि जो सर्वव्यापी हो, सर्वव्यापी मतलब विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट इज नोन एज गॉड। और गॉड क्या है? एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए, जब अगर किसी पार्टिकल की स्पीड लाइट के बराबर हो जाएगी तो उसका मास इनफाइनाइट दिखाई पड़ रहा है। इनफाइनाइट होने का मतलब ही यही है कि वो हर जगह फैल जाएगा पार्टिकल, ठीक। और वो पार्टिकल अगर हर जगह फैल जाएगा तो वही गॉड पार्टिकल के नाम से फेमस है। लेकिन ऐसा कोई पार्टिकल हम लोग बना नहीं पा रहे हैं जिसकी स्पीड लाइट के बराबर हो पाए। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिसर्च, लगातार रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा इंसान डेवलप नहीं कर पाया है कि वो किसी पार्टिकल को लाइट के आसपास पहुंचा सके, मतलब लाइट की स्पीड के आसपास पहुंचा सके। इवन उसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि अगर वहां तक जाएंगे तो उस पार्टिकल में फिर कुछ कहा जाता है दैवीय शक्तियाँ आने लगेंगी। है ऐसा है, मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि बेटा पहले का जो साइंस था दैट वॉज मच मोर डेवलप्ड देन दिस। हम लोग को तो अभी सिविलाइज्ड हुए कुछ अभी 10-5,000 साल हुए हैं, है ना, लेकिन उसके पहले का जो साइंस था वो एकदम अलग टाइप का था और वो हाईली डेवलप्ड था। नारायण नारायण, यहाँ से गायब हुए सीधे लंका पहुँच गए, वहाँ जाके कहानी समझा दिए फिर चले आए नारायण नारायण। तो कहने का मतलब उनकी जो स्पीड थी दैट वॉज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट या इक्वलेंट थी भाई। तभी तो ऐसा हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ से नारायण नारायण बोल के गायब हुआ सीधे लंका पहुँच गया। कभी किसी आपको प्रोग्राम में नहीं दिखाया गया होगा कि वो ट्रेन से ट्रेवल करके गए फिर पहुँचे 4-6 दिन बाद, फिर वहाँ रुके होटल लिया फिर जाके ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, तुरंत यहाँ से गायब हुए वहाँ पहुँच गए, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। रावण जो आया था वहाँ से, यहाँ से उठा के ले गया, उड़ा के ले गया, उड़ा के भी किस में ले गया, पुष्पक विमान। कौन चलाता था? तो कहने का मतलब वो एकदम ऑटोमेटिक सिस्टम था। हाँ, जहां दिया उड़ा के ले गया,
तो आप खुद सोचिए उस समय का साइंस ज़्यादा बेटर रहा होगा या ये साइंस अभी बहुत बेटर है उस समय का। और शायद आप लोगों ने अगर ग्रंथों पे ध्यान दिया, अभी तो नहीं दिया होगा ऑब्वियस है, अभी तो हम भी पूरा नहीं दे पाए हैं, लेकिन अगर ग्रंथों का कुछ सुना जाए, सुना जरूर होगा आपने कि राम राज्य में क्या होता था, जिसको पानी की जरूरत होती थी उसके यहाँ पानी बरस जाता था। पता है ये बात? राम राज्य कभी रामायण या किसी उससे पूछिएगा जिसने कुछ पढ़ा हो, या कभी है कहते हैं सर अभी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, अभी तो कहाँ, अभी तो जवान भी नहीं हुए हम और आप बुढ़ापे की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो बेटा जो ये सारी पढ़ाई है, ये सारी पढ़ाई फाइनली जाएगी वहीं पे। इस सारी पढ़ाई का एम अगर आप लोगों को अभी पता हो, अभी नहीं पता है आपको, अभी सिर्फ एक एम दिख रहा होगा, पैसा। सारी पढ़ाई का एक एम पैसा चाहिए। कहाँ से आएगा? पढ़ने के बाद बड़े आदमी बनेंगे हैं और देश को लूटेंगे। 90% बच्चा यही समझता, 90 क्या 99% बच्चा यही, आईएएस क्यों बनना है? क्योंकि वो पैसा बहुत, उसके पास रिश्वत बहुत लेगा। और जो भी आईएएस बनता है, शादी होगी तो ऊपरी कमाई तो होती होगी भाई, ऊपरी कमाई क्या होता है? कोई आदमी इतना पढ़े, और जो पता है जो आईएएस को कभी आपने देखा हो, पीसीएस को देखा हो, वो वैसे एकदम पागल टाइप के होते हैं, एकदम सिंपल सादे, भले उनके पास 10-20 करोड़ रुपए रखा होगा लेकिन दिखेगा नहीं चेहरे, जैसे लगेगा तो खाने को भी नहीं मिला इसको, एकदम सिंपल सा, एकदम नॉर्मल सी शर्ट, नॉर्मल सी पैंट पहने, एकदम शर्ट अंदर, हाँ एकदम ढीला ढाला ऐसा आदमी ऐसा चला आ रहा है, वो ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि जो इतनी पढ़ाई करेगा इस लेवल पर, उसके अंदर तुम्हें अपने आप कुछ सिंप्लिसिटी दिखेगी, वो पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आपको दिखेगी, समझ रहे हैं? और ये सारी पढ़ाई फाइनली जाती वहीं पर है, क्योंकि इस लाइफ का मेन एम क्या है? मोक्ष। पता है कि नहीं? मोक्ष की प्राप्ति। तो ये थोड़ा सा ज्ञान वाली बातें भी हो गई, हाँ दर्शन। तो ये जितना भी हम लोग का ये एक्चुअली जो फिजिक्स है ना, ये जितना भी फिजिक्स है, ये सब कहीं ना कहीं जितने भी चीजों के जवाब डिटेल में घुसेंगे। कभी आपने ध्यान दिया हो, जो साइंटिस्ट्स होते हैं या कई सारे आईआईटी कानपुर के जो पास आउट लोग हैं, कुछ और आईआईटीज के पास आउट, वो कुछ जाके बाबा बन गए, पता है आप लोग? इस्कॉन तो एक पैसा कमाने का तरीका है, इस्कॉन तो उतना नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं सच में, आज जाके आप लोग गूगल करिएगा, पहला आईआईटी कानपुर से, आईआईटी बॉम्बे से, और वहाँ वहाँ से अच्छे खासे ब्रिलियंट माइंडेड लोग वो जाके बाबा बन गए। बाबा का मतलब वो हवन नहीं करा रहे हैं, वो बाबा जो है वो एकदम अलग लेवल पे, क्यों? एकदम खूब बड़ी सी दाढ़ी हो गई और वो अपना कुछ अलग है। हाँ वो अपना फिजिकल नीड्स उनकी ख़त्म है, और वो उनका उनका मेंटल लेवल कुछ अलग दुनिया में घूम रहा है, क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास पहले हो गया कि हमें क्या करना है, पहले हो गया थोड़ा। जो चीज़ शायद लोगों को 50-60 के बाद होती है, वो उनको थोड़ा पहले रियलाइज हो गया, सच्चाई की तरफ बढ़ गए, समझ रहे हो भाई यश? तो फाइनली बेटे जाना उधर ही है घूम फिर के। अभी भले दिख रहा होगा ये सब चकाचौंध, एकदम बड़ा सब बढ़िया सुंदर रंगीन, चलिए खैर वापस आते हैं साइक्लोट्रॉन में। तो साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? किसी पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज कराना, ठीक? तो आपने ये देखा, इसका जो आखिरी यार एक लिमिटेशन और है कि इट कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं उनको भी ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो लिमिटेशंस में फाइनली क्या क्या हो गया? निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका मास बहुत कम है, न्यूट्रल को नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, तो इस टाइप का सब फंडामेंटली फेल हो जाएगा, ठीक? और मास बढ़ने के वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ मास बढ़ता है, मास बढ़ने से किसी भी पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 2πm अपॉन फ्रीक्वेंसी का है क्यूबी अपॉन 2πm, है ना? मास नीचे है इसका मतलब मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो कहने का मतलब यही है ना कि जब मास बढ़ेगा तो पार्टिकल को इतना ज्यादा आप घुमा नहीं पाएंगे क्योंकि वो हैवी पार्टिकल होता जाएगा, बात समझ में आई? तो ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस के बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल आपको समझ में आई गया कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी, प्रिंसिपल इसके दो हैं बेसिकली,
इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू ई, और वो फोर्स उसको एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, ये सबको पता है। दूसरा ये है कि अगर कोई मोशन में जो चार्ज है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली आएगा तो वो सर्कुलर पाथ में जाएगा। यही दो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। वर्किंग आई थिंक आप समझ गए होंगे, कंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे लाए होंगे, इधर की तरफ नॉर्थ पीछे की तरफ साउथ, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बिठा रही होगी, दो डीज में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया है, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जोड़ा है ताकि जो करंट है, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्लक्चुएट होती रहे, ठीक। इसके फ्लक्चुएट होने की फ्रीक्वेंसी हम वही रखेंगे जो चार्ज की फ्रीक्वेंसी थी सर्कुलर मोशन में। बात समझ आ रही है? तो बस यही है साइक्लोट्रॉन। क्या बेटा? 2D में, 2D में एक्चुअली बेटा ये डीज कुछ है नहीं, दे आर जस्ट अ स्पेस। जैसे इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब इधर हमने चार्ज रखा है, वो चार्ज ऐसे जाएगा सीधे पहले, फिर ऐसे पाथ में घूमेगा, तो ये जो पाथ है, ये जो सर्टेन ऑर्बिट्स हैं, इन्हीं ऑर्बिट्स को हम लोग डीज बोल रहे हैं। जब ये किसी पाथ में घूमेगा ना, अगर देखो यहाँ पर केवल एक है तो जहां जैसे मन वो घूमेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर एक प्रॉपर बेटा सिस्टम बनाना है तो आप इसमें यहाँ पर एक पूरा ऐसा ट्यूब ऐसी बनाएंगे ताकि जब चार्ज जाए तो उसी ट्यूब में घूमे, ये नहीं कि जहां मन हो वहीं घूम रहा है अपना, फ्री हो गए, फ्री हो जाएगा तो घूमेगा जहां मन होगा। वहां पे ऐसी पाइप रहेगी, स्ट्रेट पाइप, यहाँ पे सर्कुलर पाइप। तो वो जो एक सिस्टम है ना जिसमें ये सर्कुलर पाइप्स हैं, उनको हम बोल रहे हैं डीज, क्योंकि उनका शेप डी के टाइप का है। दैट्स इट, बस।